नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फिर से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पार्ट टू। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू, ओके, ये बीटेक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर में आता है। तो आज का जो टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑन कंप्रेसिबल फ्लूइड इंजेक्टेड अंडर प्रेशर। सिंपली इसका मतलब ये है कि एक प्रेशर वेसल है जिसके अंदर हम कंप्रेसिबल फ्लूइड को अंडर प्रेशर इंजेक्ट करने वाले हैं। तो उस दौरान क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम कौन कौन से वॉल्यूम हमें देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा, यानी कि दो तरह के वॉल्यूम होते हैं। एक तो होता है कि जब भी आपको मालूम है कि प्रेशर वेसल को प्रेशर से सब्जेक्ट कर दिया जाए तो डेफिनेटली चेंज इन लेंथ देखने को मिलेगा, डायमीटर भी देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाएगा, कहने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा भी वॉल्यूम है कि अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड को हम अंडर प्रेशर इंजेक्ट करते हैं तो मान लीजिए वो 10 लीटर है, अंदर जाके वो 5 लीटर हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा 5 लीटर हमें मिलेगा, तो इस वजह से भी वॉल्यूम बढ़ जाता है। कुछ इसी तरह आपके ऊपर, मतलब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड चेक करना मत भूलिएगा। तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपके लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर के तमाम वीडियोस, तमाम यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, तमाम डेरिवेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। और आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, देन योर हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मशीन्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए, इवन केमिकल इंजीनियरिंग जो मेरे खुद का बैकग्राउंड है वो भी मैंने काफी कवर किए हैं, स्पेशली गेट केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस फ्रॉम मास ट्रांसफर से लेके हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो भी उसमें सब्जेक्ट्स कवर होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से थी, अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपको कुछ बेनिफिट होता है, प्लीज दिल खुल के डोनेट कीजिएगा। आपको जो भी ठीक ठाक अमाउंट लगे आप डोनेट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपन यू, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल, साथ में लिखेंगे गिवन डेटा, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसका गिवन डेटा लिखने की वजह से हमें एक से दो मार्क्स तो मिलते हैं, साथ में अगर हम बनाते हैं डायग्राम। तो चलिए समझते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में। स्टील सिलेंडर is 2000 mm long and 1000 mm in diameter and 10 mm in thickness. यानी कि एक स्टील सिलेंडर है, एक डायग्राम बना देता हूं सबसे पहले, ठीक है, और उसकी कुछ थिकनेस भी बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टील सिलेंडर और इसकी कुछ थिकनेस भी बनाता हूं मैं यहाँ पे, और ये जो थिकनेस है मैं अलग कलर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेंथ, दिस इज अवर डाया, ओके। स्पेशली हम बात करेंगे, जब भी हम प्रेशर वेसल की बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो प्रेशर वेसल को डिजाइन किया जाता है हमेशा इनसाइड डायमीटर पे डिजाइन किया जाता है। तो एक काम करता हूं, यहां पे डाया लिख देता हूं, यहां पे इन्होंने ये नहीं बताया कि वो इंटरनल डाया है या आउटर डाया, तो आप सिंपली इसको इंटरनल डाया कंसिडर कीजिए, ठीक है, ओके। और इसकी थिकनेस, थिकनेस कौन सी, काम करता हूं अलग कलर से आपको बताता हूं, ओके। तो ये है हमारी थिकनेस, ठीक है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, चलिए हो गया शेड हमारा, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं गिवन डेटा लिखता जाता हूं, लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच दे हैव गिवन 2000 mm, यहां पे l हो गया इंटरनल डाया, लेट हम अज्यूम करते हैं कि जो इंटरनल डाया, ठीक है, देयरफॉर द इंटरनल डाया इज इक्वल टू 1000 mm एंड दे हैव गिवन द थिकनेस, थिकनेस t ये कितनी दी हुई है, दिस इज द 10 mm। देखिए थिकनेस में बहुत सारी चीजें भी ऐड की जाती है, अगर आप कभी भी जो डिजाइन इक्वेशन का यूज करके अगर थिकनेस निकालेंगे किसी भी प्रेशर वेसल का, तो कोरोजन अलाउंस भी ऐड किया जाता है, क्योंकि जंग लगने का भी खतरा होता है ना। सपोज प्रेशर वेसल तो रेडी होगी अभी, ये होगी मेरी प्रेशर वेसल रेडी, ठीक है, और मान लीजिए हमने ये फाइंड आउट किया कि 6 mm की थिकनेस आनी चाहिए इसकी, बट हम 4 mm थिकनेस और डालेंगे, क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यानी कि वातावरण है, तो वातावरण की वजह से जंग भी लग सकता है, तो 4 mm का थिकनेस हम देते हैं एक्स्ट्रा, यानी टोटल अब जो थिकनेस होगी वो 10 mm की होगी। चलिए ये तो हो गया, तो जस्ट बताने के लिए था आपको, ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आफ्टर बीइंग फिल्ड विद अ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर वाटर इज पंप्ड इन अंटिल द प्रेशर बिकम्स 2 MPa। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ये जो प्रेशर वेसल मैंने लेटा ही हुई है, काम करता हूं इसको थोड़ी देर के लिए मैं खोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये रही हमारी प्रेशर वेसल, ठीक है, ओके। अब ये खुली हुई है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यानी कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, ओके। हमारे ऊपर जो एक्ट कर रहा है, जो आपके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो भी वीडियोस मेरे देख रहे हैं, यानी हर एक के ऊपर इस दुनिया में जो भी पर्सन है उनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको पानी से भर दिया जाता है, मतलब मान लीजिए इसकी खुद की कैपेसिटी 10 लीटर की, ठीक है, इसकी खुद की कैपेसिटी 10 लीटर की, और हमने क्या किया, इसको पूरा 10 लीटर से भर दिया, ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है, ओके, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आफ्टर बीइंग फिल्ड विद द वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर वाटर इज पंप्ड इन अंटिल द प्रेशर बिकम्स 2 MPa। तो क्या हो गया,
कि जब ये खुला हुआ था, 1 एटमॉस्फेयर से सब्जेक्टेड थी, मतलब ये ऊपर का ढक्कन मैंने निकाल दिया, तो जितनी इसकी खुद की कैपेसिटी थी, ठीक है, मान लीजिए 10 लीटर को ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है, 10 लीटर मैंने पानी डाल दिया थोड़ी देर के लिए, आप समझ ले, ओके ओके। बट जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर दिया गया, सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्लोज कर दिया, ठीक है। बट अब मैंने जो प्रेशर है हमारा 1 एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली 2 मेगा पास्कल कर दिया है, एक्चुअली में दिया नहीं हुआ है, मतलब एक्चुअली दिया ही हुआ है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसको बंद किया और अंदर का प्रेशर डायरेक्टली लेकर गया 2 मेगा पास्कल जो यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर लिख देता हूं दैट प्रेशर इज इक्वल टू 2 मेगा पास्कल, ओके। तो ये प्रेशर देने की वजह से, ठीक है, जो लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड अंदर पंप किया गया, अंदर इसमें कुछ और लिक्विड डाला गया, यानी कि और पानी डाला गया, ठीक है, और पानी डाला गया, तो और पानी डाला जा सका ऐसा बता रहा है, तो एक्स्ट्रा पानी हमने और डाल दिया। एक्चुअली मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, कोई भी लिक्विड अगर कॉम्प्रेसिबल होगा, मान लीजिए एक्चुअली पानी वैसे तो कॉम्प्रेसिबल नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि पानी कॉम्प्रेसिबल है, क्यों कैसे पता चल रहा है ये हम देखते हैं अभी, ठीक है। आप जब तक ये ढक्कन खुला था, ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा था, तो जितनी इसकी खुद की कैपेसिटी थी 10 लीटर, उतना हमने पानी डाल दिया, ठीक है। हमने इसके बाद मीन्स ये ढक्कन क्लोज कर दिया, हमने वेसल को क्लोज कर दिया, अब प्रेशर मैं लेकर चला गया 1 एटमॉस्फेयर से 2 मेगा पास्कल। जैसे ही ऐसा हुआ, ये जो 10 लीटर पानी अंदर, ये बन गया 5 लीटर। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, मतलब ये हो गया हमारा 5 लीटर, हो गया क्लियर, ओके। तो कहने का मतलब है कुछ स्पेस वैकेंट हो गई, कुछ स्पेस वैकेंट हो गई। अब कहने का मतलब है कि टोटल कैपेसिटी अगर इसकी 10 लीटर की है, तो अब ये बन गया 5 लीटर, तो एक्स्ट्रा और 5 लीटर की कैपेसिटी खाली हो गई और लिक्विड हम ऐड कर सकते हैं, क्लियर हो गया। ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल लेने के लिए बताया था आपको, मतलब एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया था, 5 लीटर बन गया है, 10 लीटर इनिशियली था, 5 लीटर की कैपेसिटी और खाली हो गई, और 5 लीटर हम डाल सकते हैं। बट ये बुकों में नहीं दिया, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये बताया कि हम और पानी डाल सके, किसकी वजह से, जब हमने प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से 2 मेगा पास्कल कर दिया, ओके। अब क्या बोल रहा है कि जैसे हमने, अब देखिए प्रेशर कितना हो गया 2 मेगा पास्कल, ठीक है, बट वो बोल रहा है कि ऑन रिलीविंग द प्रेशर द वॉटर लेट आउट मेजर टू बी 2.9 × 10^6 mm³। अब बोल रहा है कि अगर मैं 2 मेगा पास्कल का प्रेशर रिलीज कर दूं, रिलीज कर दूं, कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि वो ढक्कन को खोल देता हूं मैं, अगर मैं इस ढक्कन को खोल देता हूं, तो ये जो 2 मेगा पास्कल का प्रेशर है, ये वापिस 1 एटमॉस्फेयर बन जाएगा, क्लियर हो गया, ओके। तो जितना पानी एक्स्ट्रा डाला होगा वो सब बाहर निकल के आ जाएगा। तो कितना पानी बाहर निकल के आया, दैट इज योर, यहां पे लिख देता हूं, फिर ये हो जाएगा डेलवी, डेलवी कितना है, ये डेलवी टोटल लिख दीजिए, डेलवी टोटल इज इक्वल टू 2.9 × 10^6 mm³। याद रखिएगा कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड या कॉम्प्रेसिबल गैसेस ही अंदर जाके अंडर प्रेशर अपना क्या बोलते हैं वॉल्यूम चेंज कर सकती है, ठीक है, जो लिक्विड कॉम्प्रेसिबल नहीं होते वो नहीं कर सकते, हो गया क्लियर, ओके। एक और चीज मान लीजिए, अब इसमें इन्होंने तो पानी यूज किया है, तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी जो होगी वो 1000 kg/m होगी, मान लीजिए वैसे पानी की डेंसिटी इतनी होती है, एवरेज डेंसिटी, ओके। बट जैसे ही हमने अंडर प्रेशर किया, इसी क्वेश्चन के लिए एक्चुअली में ये जो पानी है ये कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं है, ठीक है, हम इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो इनिशियली जब तक ढक्कन खुला हुआ था तब तक 1000 kg/m³ था, ओके। जैसे ही हमने प्रेशर लगाया तो इसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई, मान लीजिए 2000 हो गए, 2000 kg/m³। तो जो लिक्विड अपने वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं अंडर प्रेशर, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक आ जाते हैं क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है अंडर प्रेशर की वजह से। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये तो जस्ट बताने के लिए था, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ओके। तो अब क्या बोल रहा है, अब फाइनली एक डेटा दिया हुआ है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां पे लिख लेते हैं, दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए 200 GPa। अब हम इसमें यूनिट कन्वर्जन भी समझेंगे, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या ठीक है। म्यू पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये एक लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन का रेशियो होता है, ठीक है, ओके। वैसे मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं, ओके। एस्टिमेट द बल्क मॉडल्स, अब ये बल्क मॉडल्स जो लिक्विड हमारे कॉम्प्रेस हो सकते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है बल्क मॉडुलस, वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल कॉल इट एज अ के, हमें के ढूंढना है। और मान लीजिए कि दोनों एंड फ्लैट है, मतलब ये सही वेसल का डायग्राम बना हुआ, तो चल अब मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें, ताकि हम इस क्वेश्चन को कर सके, और कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी खत्म कर लें क्योंकि समझने में थोड़ा मैंने काफी, मतलब देखिए मेन पर्पस है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैंने गिवन डेटा तो सारा लिख लिया है, ओके। अब देखिए एक तो वॉल्यूम जो मैंने बात की, ठीक है, जो भी वॉल्यूम बढ़ा, ये मैंने आपको बताया था ना कि 5 लीटर की एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ गई है इसी वेसल की, ठीक है, 5 लीटर की, तो उसको मैं डिनोट करूंगा डेल V2 से, ठीक है, क्योंकि डेल V1 अभी समझाना बाकी है, ठीक है।
डेल वी टू से, तो ये निकाल लिखा जा सकता है पी अपॉन के इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। पी क्या है? अंदर का प्रेशर, ठीक है, यहां पर मैं प्रेशर बता देता हूं, ये पी है। ओके, के के क्या है? बल्क मॉड्यूलस, यहां पे लिख देता हूं, के इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस जो हमें कैलकुलेट करना है, मॉड्यूलस। ओके, एंड वी इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ओके, ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका मीनिंग है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है, हमारे को ये ध्यान नहीं देना कि कैसे आया होगा, अब एक और रीजन की वजह से भी वॉल्यूम बढ़ गया होगा, ठीक है। आपको मालूम है कि यही जो प्रेशर वेसल है, थोड़ी देर के लिए काम करता हूं, इसको वर्टिकली ले लेता हूं, अगर मैं इसको प्रेशर से सब्जेक्ट कर रहा हूं डेफिनेटली, ठीक है, तो डेफिनेटली इसके डायमीटर में कुछ तो चेंज आएगा। मान लीजिए पहले डायमीटर डी था, ठीक है, और लेंथ थी आपकी एल, और थिकनेस जो थी दैट इज योर टी, तो अब ये थोड़ा सा डायमीटर क्या होगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मतलब देखो ये इस तरह से हो जाएगा डायमीटर, अब ये इतना हो गया, ये डी वन है। ओके, देन दिस इज योर लेंथ, इसकी थोड़ी लेंथ भी इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि अंदर के प्रेशर की वजह से इसके डायमेंशन में डेफिनेटली चेंज आता है, तो ये हो गया हमारा लेंथ दैट इज एल टू, और इसके थिकनेस में भी कुछ चेंज आ गया होता है, इसकी वजह से भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, बट हो गया क्लियर। ओके, तो इसकी वजह से जो चेंज आया वॉल्यूम में, वो भी बढ़ोतरी हुई वॉल्यूम में, वो कैसे लिख सकते हैं, डेल वी वन इज इक्वल टू दिस इज पी टी बाय 4TE, ये मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक में कवर किया हुआ है, द चेंजेस इन डायमेंशंस ऑफ अ प्रेशर वेसल विच इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, मतलब एक प्रेशर वेसल को अगर एक अंदर से प्रेशर, देखिए प्रेशर वेसल है तो डेफिनेटली हम प्रेशर मेंटेन करने के लिए प्रेशर वेसल को बनाएंगे, ठीक है, अगर कोई भी प्रेशर वेसल को प्रेशर से सब्जेक्ट किया जाता है तो डेफिनेटली लेंथ में देखने को मिलेगा चेंज, डायमीटर में देखने को मिलेगा चेंज, थिकनेस में देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर बढ़ेगी, थिकनेस में चेंज आएगा, क्लियर हो गया, कम ज्यादा होगी। ओके, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वो जो वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी वो किस फॉर्मूले से होगी, इससे, और ये कैसे आया था मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ, ठीक है, सो दिस इज योर 5 - 4 μ इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये हो गया, ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो पानी एक्स्ट्रा आया, ठीक है, तो एक काम, एक चीज और थी कि जो टोटल चेंज आया वॉल्यूम में, ठीक है, तो वो दोनों फॉर्मूले की वजह से आया हुआ, ये अंदर के प्रेशर की वजह से और ये कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की वजह से, ठीक है, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, दिस इज पी टी अपॉन 4TE, ठीक है, इंटू 5 - 4 μ इंटू वी प्लस वी पी बाय के इंटू वी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की वजह से और ये अंदर के प्रेशर की वजह से। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, सो देयरफॉर टोटल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या था कि पानी जैसे हम प्रेशर रिलीज करते हैं 2 MPa का, और जैसे वो 2 MPa 1 atmosphere प्रेशर पे आता है, मतलब जो क्लोज्ड वेसल थी अंदर प्रेशर मेंटेन था, जैसे ही सपोज मैं इसको पंचर कर देता हूं तो सारा का सारा प्रेशर निकल जाएगा। ओके, एक काम करता हूं, इसको पहले मैं खड़े कर देता हूं, ठीक है, तो यहां से मैंने रिलीज कर दिया या फिर ढक्का निकाल दिया, तो अब इसकी ओरिजिनल कैपेसिटी जो होगी वो अब उतने कैपेसिटी का पानी तो अंदर रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा था वो बाहर फेंक देगा, तो जितना बाहर फेंका वही तो है वो चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है, ये वाला डेल वी टोटल, तो मैं यहां पर क्या डालूंगा, इसकी जगह पे क्या डालूंगा, दिस इज 2.9 × 10⁶, ओके, mm³, ओके, अब प्रेशर इज हाउ मच, याद रखिएगा प्रेशर कितना है 2 MPa, तो एक काम करते हैं, याद रखिएगा हमेशा सॉम का कोई भी क्वेश्चन होगा, मेगा पास्कल है, प्रेशर है तो न्यूटन पर mm² में लीजिएगा, जो थिकनेस है वो mm में लीजिएगा, जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है, इवन जीपीए दिया हुआ है, जीपीए गीगा पास्कल, ये भी न्यूटन पर mm² में लीजिएगा, बाकी तो ओके, ओके, एरिया है mm² में लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेशर, प्रेशर कितना दिया हुआ है, दिस इज 2 MPa, तो यहां पर मैं 2 MPa दिया हुआ है, ओके, 2 × 10⁶ न्यूटन पर mm², हो गया क्लियर, ओके, सॉरी ये न्यूटन पर m², ठीक है, क्योंकि पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर m², बट आपको मालूम है m² को mm² में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें मालूम है, देखिए सपोज हमें m² से mm² का रिलेशन नहीं मालूम है, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको, 1 m आपको मालूम है 1000 mm होते हैं, ठीक है, ओके, मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 m² में कितने mm² होते हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा सिंपली, इसे अगर आप क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम का रिलेशन आ सकता है, तो ये स्क्वायर 1 पे भी जाएगा, एम मीटर पे भी जाएगा, तो 1 m², अभी ये स्क्वायर 1000 पे भी जाएगा, mm² पे भी जाएगा, सो दैट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 × mm², तो कहने का मतलब है ये कितना हो गया, 1 m² को मैं लिख सकता हूं 10⁶ mm², तो सिंपली मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको रिप्लेस करके 10⁶ mm² लिख दूंगा, ये कैंसिल, तो क्या रह गया 2 N/mm², यानी कि 2 MPa को डायरेक्टली 2 N/mm² लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं अभी लिख देता हूं, ये तो जस्ट समझाने के लिए था, ओके, सो यहां पे देखिएगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, सॉरी तो यहां पे लिख देता हूं, देखो पी पी की वैल्यू क्या है, सो देयरफॉर 2 थिकनेस की वैल्यू है 10, ओके, 1 4
है ना यहाँ पे पी टी बाई फोर टी, लेट मी चेक, ओके सॉरी यहाँ पे डी है, डायमीटर है ठीक है, इंटरनल डायमीटर, तो इंटरनल डायमीटर कितना है, दिस इज द 1000, ओके टी टी कितना है 10, ओके ई याद रखिएगा ई, आप गीगा पास्कल को यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल दैट मीन्स 10^9 हो जाएगा ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट मैंने ऑलरेडी बोला है कि मीटर पर मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर को 10^6 mm² में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया 10^6, ये 10^9, तो कितना रह जाएगा 200 × 10^3 न्यूटन पर mm², तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पर दिस इज योर 200। अभी अगर एक बार लिख लेते क्योंकि ये यूनिट कन्वर्जन है, काफी स्टूडेंट्स को नहीं आती है करने के लिए ठीक है, ओके 10^3 हो गया, ओके दिस इज 5 - 4 म्यू, म्यू कितना है, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.3 ठीक है, तो मिटा देता हूं, मिटा दिया ओके। सो वॉल्यूम, अभी आपको मालूम है कि ये एक तरह का सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पर पाई रखिए, पाई इंटू आर, आर रेडियस क्या होगा, इंटरनल डायमीटर 1000 है सो दैट विल बी 500 ओके स्क्वायर, ओके एच लेंथ कितनी है 2000 यानी कि एच, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, हो गया क्लियर। चलिए तो ये तो हमने यहां पे लिख दिया, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ओके पी प्रेशर कितना है 2 MPa, बट मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये सब न्यूटन पर mm² में होना चाहिए, तो 2 ओके न्यूटन पर mm², ओके देन के, के की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है ठीक है, ओके वी, वी क्या है हमारा, वही वॉल्यूम है, तो यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, एक काम करता हूं यहां थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम, इसको गिवन डेटा जो लिखा हुआ है मिटा देता हूं ठीक है, सो दैट विल बी पाई इंटू 500² × 2000, ओके यहां पे 2000 तो दिया ही होता है ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं ठीक है, लेट मी चेंज माय दिस वन, ओके हो गया क्लियर। चलिए ये हो गया, अब मुझे मालूम है कि अगर ये वॉल्यूम में होगा, ये वॉल्यूम ही तो है mm³, तो डेफिनेटली इसकी भी यूनिट mm³ में ही होगी, अगर मैं काटूंगा तो इसकी भी यूनिट पूरी की पूरी mm³ में ही होनी चाहिए ठीक है, क्योंकि मैंने सभी को एक ही यूनिट में रखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ठीक है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2.9 × 10^6 ओके इसको सॉल्व करता हूं, इसको तो ये कुछ आ रहा है 14922 56.51 प्लस ओके अब इसको सॉल्व कर लेता हूं, दिस इज कमिंग अप टू बी, इसकी यूनिट भी कैलकुलेट करके बताऊं 314159 2654 2654 अपॉन के, हो गया क्लियर ओके। चलिए तो एक काम करता हूं डायग्राम को मिटाई देता हूं क्योंकि ऑलमोस्ट तो ये हमारा हो ही गया है, समझ में आ गया होगा ठीक है, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इसको यहां पर लीजिए ठीक है, माइनस कर लीजिए 2.9 × 10^6 -14922 56.5 = 314159 2654, नंबर काफी बड़ा है ओके, तो आप क्या कीजिए दोनों को माइनस कीजिए और इस के को यहां पर लेके आ जाएगा और जो नंबर आएगा उसको नीचे लेके आ जाएगा, तो फाइनली जो के की वैल्यू आती है दिस इज कमिंग अप टू बी कितना रही है 2231.65 न्यूटन पर mm². अब ये आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ये के की जो यूनिट है, देखिए सॉल्व तो करना बहुत आसान है बट ये यूनिट कैसे आई होगी, देखिए अब मैंने बोला कि ये अगर mm³ है तो डेफिनेटली ये mm³ में ही आया होगा, क्लियर हो गया ओके, तो अब देख लीजिए तो दैट मीन्स ये जो आंसर आया ना ये mm³, क्योंकि इसकी यूनिट mm³ में है तो ये भी तो mm³ में होगा ठीक है, तो ये चीज मतलब ये बनी ओके, इससे मैंने इसको मैंने यहां पर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन के साथ, तो डेफिनेटली इसकी यूनिट mm³ आई होगी ठीक है ओके, तो काम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं यूनिट कैसे आई होगी, तो देखिए मतलब ये mm³ में था ओके, इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ओके, एक काम करता हूं सबसे पहले इसको मिटा देता हूं, हाँ के, के को मैं इस साइड ले लेता हूं एंड के को मैं इस साइड ले लेता हूं ओके, तो यहां पे क्या लिखा हुआ नंबर ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू है इस, ये कहां से आया हुआ है, वो ये यहां से आया हुआ है ये ठीक है, तो के की वैल्यू तो नहीं हमें मालूम है ओके, टू की यूनिट क्या होती है, टू की यूनिट क्या था हमारा, हाँ न्यूटन पर mm², देखिएगा यहां ये वॉल्यूम है, ये तो mm³ में ही होगा क्योंकि देखिए बाकी कोई यूनिट नहीं है, ये है हमारा इंटरनल यानी कि रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होती है mm, बट स्क्वायर लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो mm² इंटू ये लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है mm, तो mm² इंटू mm इज mm³, mm³ लिख देता हूं, हो गया क्लियर, ये तो हो गया, चलिए इसकी यूनिट क्लियर हो गई ओके, इस के को मैंने यहां पे ले लिया और ये मैंने नीचे ले लिया, तो ये नीचे आएगा आपका mm
क्यूब, ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा के इक्वल टू, के यूनिट क्या बची, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेकर आने की। याद रखिएगा कि ये जो वीडियो था दैट वाज बेस्ड ऑन कि अगर हम कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को प्रेशर वेसल के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो किस वजह से आपके क्या बोलते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड होने की वजह से, वो किस वजह से उसकी डेंसिटी में, देखिए अंडर प्रेशर होगा तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी में चेंज तो दिखेगा ही दिखेगा, बट वॉल्यूम में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, प्लस दो तरह से वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। हमने इसमें यही देखा कि अगर कोई भी प्रेशर वेसल को प्रेशर से सब्जेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम में चेंज आता ही आता है, वो भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम में चेंज आता है। मीन्स नेगेटिव साइड तो नहीं होगा, श्रिंक नहीं होगी आपकी, प्रेशर वेसल बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज जो वॉल्यूम में चेंज आया था, एक्चुअली में जो वॉल्यूम में चेंज आया दूसरा डेल वी टू, ठीक है, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की वजह से जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो एक्चुअली में शेल की कैपेसिटी नहीं बढ़ी, ठीक है, वो जो लिक्विड आपने डाला था अंडर प्रेशर कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, वो खुद ब खुद ही उसका वॉल्यूम कम हो गया और एक्स्ट्रा वॉल्यूम हमें मिल गया शेल के अंदर, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।